अठवीं कहानी परमेश्वर यूसुफ ते ओदे परिवार की बचांदा है। कईयें दिनें दे बाद जिसले याकूब बुढ़ा होया ते उसने अपने प्यारे पुत्र यूसुफ की ओदे भराउं दी जांच करने आस्ते भेजिया जेड़े जानवरें दे झुंडे की देखभाल करा दे। यूसुफ ते भरा ओदे कन्ने जलदे हे क्योंकि उंदा प्यो ओदे कन्ने ज़्यादा प्यार करता हा और इस करी भी कि यूसुफ ने सुहना दिखाया हा कि वह उंदा हाकिम होए ना। जिसले यूसुफ उंदे कोले आया तो उसी दासें दा व्यापार करने आले गी बेची दिता। घर वापस आने कोला पहले यूसुफ दे भराऊ ने यूसुफ दे कपड़े गी फाड़िए बकरी दे खूने च डुबी दिता। भी उन्हें वह कपड़े अपने प्यो गी दसे कि वह यह सोचगा कि कुसे जंगली जानवर ने यूसुफ गी मारी दिता है। याकूब बड़ा दुआस हा। दासें दा व्यापार करने आले ओ लोग यूसुफ गी मिस्र लईए। नील नदी दे कंडे उपर बसा दा मिस्र एक बड़ा ते शक्तिशाली देश हा। उन्हें दासें दा व्यापार करने आले ने यूसुफ गी एक धनी सरकार दे प्रधान गी नौकर दे रूप च बेची दिता। यूसुफ ने अपने स्वामी दी अच्छी तरह कन्ने सेवा कीती ते परमेश्वर ने यूसुफ गी शीश दिती। उदे स्वामी दी घरेआली ने यूसुफ दे कन्ने सोने दी कोशिश कीती लेकिन यूसुफ ने इस रीति कन्ने परमेश्वर दे खिलाफ पाप करने कोला मना करी दिता। ओ रुए होई ते यूसुफ दे उपर झूठा इल्जाम लाई दिता। इस करी उसी पकड़िए जेल खाने च भेजी दिता। इत्थे तकर कि जेल खाने विच भी यूसुफ परमेश्वर दे कन्ने सच्चा रहा ते परमेश्वर ने उसी शीश दिती। दो सालें दे बाद यूसुफ अली तकर जेल खाने च हा भावा वह निर्दोष हा। एक राती फिरौन जियां कि मिश्री लोग अपने राजें गी सदे है उन्हें दो सोहने दिखे जिन्हें उसी बड़ा बेचैन करी दिता। उदा कोई भी सलाहकार उसी उस सोहने का मतलब नहीं सुनाई सकिया। परमेश्वर ने यूसुफ गी सोहने का मतलब सुनाने का वरदान दिता हा। इस करी फिरौन ने यूसुफ गी जेलखाने विचा अपने कोल सदया। यूसुफ ने उसी उस सोहने का मतलब सुनाया ते आख्या परमेश्वर भरपूरी फसलें आला सत्ते सालें दे बाद काल दे सत्त साल भेजने आला है। फिरौन उपर यूसुफ का इन्ना असर होया कि उसने उसी मिश्र का दूआ सारे कोला शक्तिशाली मर्द ठहराई दिता। यूसुफ ने लोकें गी शैल फसलें आले सत्त सालें दे थमां बड़ी मात्रा च भोजन गी जमा करने आले आस्ते आख्या। जिसले सत्त सालें का काल आया उस वेले यूसुफ ने लोकें गी ओ भोजन बेचिया कि उन्हें गी खाने आस्ते थोए। ओ काल खाली मिस्र च गे नहीं हा लेकिन कनान च भी खतरनाक हा जिथे याकूब ते उदा परिवार रोंदा हा। इस करी याकूब ने अपने सारे कोला बड़े पुत्रें गी भोजन खरीदने आस्ते मिस्र गी भेजिया। जिसले ओ भोजन खरीदने आस्ते यूसुफ दे सामने खड़ोते ते उदे भ्राऊ ने यूसुफ गी नहीं पहचानिया लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचानी लेता। ए पता करने आस्ते कि ओ बदली दे नहीं गए हैं उन्दी जांच करने दे बाद यूसुफ ने उन्हें गी आख्या आऊं थोड़ा भरा यूसुफ हैं डरो नहीं। जिसले तुसें मिकी दास दे रूप च बेचिया हा ते तुसें बुराई करने दी ठानी ही लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई गी भलाई आस्ते इस्तेमाल किया। आओ ते मिस्र च रवो कि आऊं थोड़े ते थोड़े परिवार आस्ते भोजन का इंतजाम करी सकां। जिस वेले यूसुफ दे भरा घर वापस आए ते अपने प्यो गी सुनाया कि यूसुफ आया भी जिंदा है ते ओ बड़ा खुश होया हा। हालांकि याकूब एक बुढ़ा माणू हा तां भी ओ अपने पूरे परिवार दे कन्ने मिस्र गी गया ते ओ उत्थे वसी गए। याकूब दे मरने कोला पहले उसने अपने आर एक पुत्र गी शीश दिती। बाचे दे ओ वायदे जेके परमेश्वर ने अब्राहम कन्ने कीते हे ओ इसहाक पर ते उदे बाद याकूब ते उदे बाद बारह पुत्रें ते उदे परिवार पर आई गई हां। उदे बारह पुत्रां दे वंश इजराइल दे बारह गोत्र बनी गए।